हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी बज रही हैं सुबह की 9:30 और मैं फटाफट से कर रही हूँ घर के काम निपटा, क्योंकि अभी मुझे जाना है शॉप पर और मंदिर भी जाना है। चिकू अभी गए नहाने के लिए और मैं रूम में थोड़ा सा सही कर रही थी। और 9:30 भी नहीं हुई, 9 ही बजी है, लगभग 9:05 हुई है। और जल्दी से घर के काम निपटा लेती हूँ, फिर जाना है जैसे कि शॉप पर और मंदिर भी जाना है, घर का काम भी करना है, खाना भी पकाना है। कल तो दीदी आए थे इसलिए पता नहीं चला, पर आज मुझे जल्दी जाना है इसलिए फटाफट से निपटा रही हूँ। मुझे कुछ भी करके 10 बजे तक तो फ्री हो जाना है। और आज चुगे खाने में है राजमा और वेज पुलाव, तो उसकी मैंने तैयारी कर दी है। और थोड़ा थोड़ा काम जो साइड साइड में वो निपटा देती हूँ और फिर खाना पकाते हुए आपसे मिलती हूँ। अभी जा रहे हैं शॉप को ओपन करने के लिए और मंदिर भी जाते हैं, और मंदिर से वापस आते समय शॉप ओपन कर देंगे। और किचन का भी थोड़ा सा सब्जियां वगैरह लानी है, सब्जियां वगैरह सब ख़त्म हो चुकी है। तो अभी चिकू आ रहे हैं गाड़ी लेके, मैं यहाँ पर वेट कर रही हूँ। सब्जियां वगैरह सब लेके मैं घर आ जाऊँगी, ज्योति को शॉप खोल के बैठा दूँगी वहाँ पर, तो ज्योति क्लीनिंग वगैरह का काम करती रहेगी, क्लीनिंग वगैरह का करेगी, तब तक तो मैं खाना पका के पहुँच जाऊँगी वहाँ पर। और आज सोमवार है तो मेरा व्रत भी है, और सोमवार मेरा व्रत और पूजा भी हो जाएगी आज। चलो मंदिर जा रही हूँ। तो दर्शन हो चुके हैं और अभी जा रहे हैं शॉप पर, और ज्योति अभी तक आई नहीं है, ज्योति को कॉल कर दिया है, अभी आ जाएगी। तो जल्दी जल्दी शॉप का काम निपटा कर हम घर जा सकते हैं, और मार्केट भी जाना है, थोड़ी सी सब्जियां लानी हैं जो डाइट में ज़रूरी है, वो तो ले आते हैं वो भी। अभी आ गई हूँ घर पर, जल्दी से बना देती हूँ खाना क्योंकि 10:30 हो चुकी हैं। और मैं वहाँ पर ज्योति को रख के आई हूँ शॉप पर। प्याज वगैरह तो मैं कट करके गई थी, चावल भिगा दिए थे, राजमा भी भिगा के दिए थे। खाना बन चुका है तो मैं आपको बता देती हूँ कि खाने में मैंने क्या क्या बनाया है। क्या क्या बनाया वो तो आपको पता ही है, पर बन चुका है वो दिखा देती हूँ। रोटियाँ भी बन चुकी हैं, राजमा भी बन चुका है, वेज पुलाव भी बन चुके हैं, और मैं एकदम टाइम पे हूँ। अभी बज रही है 11:30, तो जल्दी से खाना खा के पहुँच जाती हूँ शॉप पर। तो अभी मैं कर देती हूँ मेरे लिए प्लेटिंग, तो प्लेटिंग वगैरह करके, मेरा आज व्रत भी है तो व्रत खोल देती हूँ। चावल धुल चुके हैं और ये अभी शॉप पर ले जाने हैं, तो मैं ये ले जा रही हूँ। ये हमारे सूरज भाई हैं। सूरज भाई आओ, अच्छा से आओ ब्लॉग में। ये हमारे सूरज भाई, आप वीडियो को शेयर भी किया करो। सुरेश भी हमारी तरह दौड़ ही रहे। एक मिनट चुको, उठ जाओ, ये टॉवल अंदर रखनी पड़ेगी। शॉप पर आ गई थी, और जैसे कि अभी ज्योति खाना खाने गई थी तो कस्टमर आ गए थे, काफ़ी मैंने डिफ़िकल्ट हुआ क्योंकि आगे मैं लॉक करके फिर पीछे उनके जो भी सर्विसेज थी वो करनी थी। एक मिनट, मेरा ट्राइपॉड थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। हाँ, तो सर्विसेज थी वो की, और फिर मैं
आगे एक कस्टमर था वो गेट खोल के चला गया था और मैं अंदर ही थी, मैं काफ़ी डर गई थी, कोई दुकान में घुस नहीं गया क्योंकि दुकान पूरी खुली हुई थी और मैं पीछे थी, पता ही नहीं चल रहा, पता ही नहीं चले कोई अगर अंदर आए ना, क्योंकि आवाज़ पीछे आती नहीं है बिल्कुल, क्योंकि पूरा लॉक रहता है इसलिए, और मिरर है इसलिए दो मिरर्स की यानी कहते हैं ना लेयरिंग हो जाती है, एक मिरर यहाँ है एक मिरर अंदर सलोन में है, तो फिर वो आवाज़ बिल्कुल इतनी रुक जाती है। मैं डर गई कोई आके अंदर घुस नहीं गया हो, क्योंकि मैं अंदर थी और काफ़ी देर तक मैं अंदर थी, और फिर मैंने कैमरा चेक किया, मेरा फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया था बिल्कुल, बैटरी डेड हो गई थी, तो मैं फटाक से आई बाहर और लॉक किया, और ज्योति नहीं थी इसलिए ये प्रॉब्लम हुई, अभी तो ज्योति आ गई है इसलिए कोई बात नहीं, ज्योति अगर आगे बैठे मैं आगे बैठूँ और फिर अंदर कस्टमर हो तो भी अटेंड हो जाता है, पर अकेले मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, और आगे भी कस्टमर थे पीछे भी थे इसलिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। जस्ट मैं हुई हूँ फ्री, कस्टमर को फ्री करके, और अभी मैं कर रही हूँ मेरा कुछ काम, और काम करके फिर आपसे मिलती हूँ। गाइस मेरा चॉइस को बर्थडे है, और मेरे बर्थडे की मुझे कोई भी प्रिपरेशन नहीं दिख रही है, ना मेरे लिए कोई गिफ्ट लाया गया है अभी तक, मुझे गिफ्ट दो। मम्मी भी बोल रही थी गिफ्ट चाहिए, बोल देना क्या चाहिए दे देंगे। आज है मेरा व्रत, और जैसे कि कल हमने अमूल कूल मंगवाए थे तो एक एक्स्ट्रा बच गया, तो मुझे लग रही है भूख, तो ये मैं पी रही हूँ, और मैंने इतनी देर तक इसलिए नहीं पिया क्योंकि मुझे इसके ऊपर इसकी एक्सपायरी डेट मिल नहीं रही थी, और चिकू ने भी आके बताया, और अभी शॉप को भी कर रहे हैं मंगल, तो वह अभी यहाँ नहीं पीती, घर जाके पीऊँगी। ठीक है तो चलिए चलते हैं घर, और आज पूरा दिन रहा काफ़ी बोरिंग इसलिए मज़ा नहीं आया आज। अभी आ गई हूँ मैं घर पर, और घर पर पड़े हैं दो तीन दिन के कपड़े, तो कपड़े समेटूंगी अभी। फिर कपड़े वगैरह समेटे आपने जैसे ही देखा, और आज था मेरे व्रत, मैंने सुबह बहुत जल्दी खा लिया था, तो मुझे आज थोड़ा सा एसिडिटी की तरह फील हो रहा था, तो फिर चिकू ने बोला कि कुछ तुम्हारा फलहार वगैरह बना के खा लो नहीं तो तबीयत हो जाएगी ख़राब, तो मैंने बनाई थी राजगीरे की आटे की पूड़ियाँ और कर्ड के साथ फिर खा लिया, और अभी मैं सो रही हूँ और यहीं पर कर देती हूँ ब्लॉग का एंड। अगर आज वाला ब्लॉग यहाँ तक देखने के बाद अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, मिलते हैं कल के अच्छे ब्लॉग में। ओके बाय।